नमस्कार मित्रों, आप देखे होंगे कई संत महात्माओं को जो कई लोग जो होते हैं वो प्रवचन करते हैं कई संत महात्मा, लेकिन आज एक ऐसे साधु महात्मा से हम आपको मुलाकात कराएंगे जिनको देख करके आप चौंक जाइएगा। वो पूरी जो भभूति होती है वो पूरे शरीर में लगा लेते हैं। लगाने के बाद अगर उनकी जटा की बात करें तो जटा जो है वो 5 से 7 फीट लंबी है। क्या क्या भभूति में होती है और भभूति जो है वो कैसे लगाते हैं, क्या परंपरा है भभूति लगाने की, ये तमाम जो बातें हैं उनसे हम पूछेंगे। सीधे सीधे उनके पास चलते हैं और बता दिखाते हैं आपको कि उनके शरीर में जो है भभूति लगाई जाती है। ये देख सकते हैं कि एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं, सर पे जो है वो काले कलर का पगड़ी बांधे हुए है, उसमें जटा है और दाढ़ी बड़ी हुई है, माला पहने हुए है और नीचे जो है वो भी काले रंग का कपड़ा पहने हुए है। उसके बाद अगर शरीर की बात करें तो पूरे शरीर में जो है वो भगवा ये भभूति लगा हुआ है। आमतौर पर लोग देखेंगे तो इसको अलग भाषाओं में राख भी कहा जाता है, लेकिन ये भभूति बनती कहाँ से है और कैसे लगती है, कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो भभूति है, कई साधु महात्मा बताते हैं कि ये भभूति जो है वो शमशान घाट से आती हुई भगवान शिव का प्रसिद्ध माना जाता है। ये भभूति भगवान शिव को मनाने के लिए जो है कई लोग भभूति लगाते हैं भगवान शिव को, लेकिन ये जो महात्मा है वो भभूति लगाए हुए हैं। सीधे इनसे बात करते हैं और सीधे आपको दिखाते हैं कि देखिए भभूति जो लगाए हुए महात्मा जी। पहले तो महादेव, ओम नमः शिवाय। ये आप भभूति लगाए हुए हैं, क्या है ये? पूरे बॉडी जो है, शरीर जो है वो भभूति में रम गया है। ये महादेव की विभूति है, ये अनादिकाल से चलती आ रही है। श्री उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े की ये शिवलिंग गोला साहेब की ये धरोहर है, भस्म रूप में। ये प्रकाश होता है इससे जो इसकी पूजा कराता है, और ये जो भस्म रमाता है वो उसका पूर्व जन्म संस्कार उसका साथ में आता है, और वो जो भस्म रमाते रमाते अपना नित्य कर्म इसी में ही त्याग देता है, वो शिव स्वरूप में ही समाहित हो जाता है जीते जी। कई ऐसे संत को यहीं पे मैं दिखाऊंगा, जरा कैमरामैन से चाहूंगा घुमा करके दिखा दिए। दो और संत बैठे हुए यहाँ पे, लेकिन इनके शरीर पे जो है वो भभूति नहीं है, लेकिन इन महात्मा के ऊपर जो है वो भभूति लगी हुई है। ये देख सकते हैं कि इसमें भी भभूति पड़ी हुई है। ये भभूति कहाँ से आती है, स्वामी जी ये भभूति कहाँ से आती है? ये श्री राम धुनी वन नेपाल मोरंग की झाड़ी से, वहाँ श्री राम धुनी वन की ये विभूति आती है, ये वहाँ से सिद्ध है ये विभूति। नेपाल से? हाँ जी, हाँ जी, नेपाल से आती है श्री राम धुनी वन, वहाँ से आती है। हाँ जी, वहाँ से आती है ये, और तो वहाँ से ये सब लोग गोला साहब हैं हमारे साथ में, वो इनकी पूजा प्रकाश होता है। और कब से भभूति लगा रहे, सब महात्माओं से अलग आप है? नहीं नहीं, हम सब एक ही उदासीन में ही हैं, अलग नहीं है, लेकिन हमारा कर्म आ रहा है, इसमें रम गया है कर्म। इसमें हम सुख शांति भगवान शिव को प्रसन्न प्रणाम ध्यान। कई लोग जो है वो क्रीम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, आप जो भभूति इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, ये हमारा पूर्व जन्म का कर्म आया है, हमको इसी में ही विलिप्त रहना है। चाहे संसार हंसी करे, भजन करे, भोजन करे, आनंद ले, हमको उससे कोई मतलब, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कोई हमको मतलब नहीं, बस केवल महादेव, बस शिव गौरी शंकर भगवान, बम बम महादेव, में बम बम महादेव शंभु, आर आर केदारनाथ धाम के वासी। अच्छा, ये भभूति आप कब से लगाते आ रहे हैं? ये हम 2013 में हमने ये गुरु संस्कार धारण किया था, और तभी से हम इसको गुरु के वचनों का आज्ञा पालन करके हम इस पे दिन रात दोनों टाइम चढ़ाते हैं। आपके गुरुजी भी भभूति लगाते थे क्या? नहीं नहीं, गुरुजी नहीं लगाते हैं, गुरुजी आदेश की। हाँ, गुरुजी का आज्ञा का पालन करना हमारा लिए सर्वोपरि धर्म है। तो दोनों टाइम लगाते हैं? हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम कर्म है ये। हाँ, सुबह होता है तो रात भी होगी, रात होता तो सुबह भी होगी। हाँ, ये हमारा कर्म है, ये सृष्टि है, ये ये नित्य क्रिया कर्म है हर। अच्छा, आपको देखने से आप जो है अलग विचारधारा से लग रहे हैं, अलग एक महात्मा की तरह लग रहे हैं देखने से, क्योंकि सभी महात्मा जो है वो भभूति नहीं लगाते हैं और आप जो है वो भभूति लगा रहे हैं। लेकिन एक बात ये होता है कि कई लोग क्रीम पाउडर लगाते हैं अपने आप को बेहतर बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, ताकि लोग हमको देखें तो बोले कि बड़ी सुंदर है, स्मार्ट है, लेकिन आप जो है वो भभूति ही लगाते हैं। हाँ जी, ये श्री चंद भगवान श्री गुरु नानक देव जी की धर्मपत्नी माता सुलक्षणा देवी जी थी। जब धर्म पर संकट, धर्म और अधर्म दोनों का टकराव आमना सामना होने लगा था,
तब माता सुलक्षणा जी ने कहा था कि अब धर्म की रक्षा कौन करेगा। तब शिव जी ने सार्वांग रूप में दर्शन दिए माता को, सुलक्षणा देवी जी को। तब माता जी, भगवान जी ने कहा कि माता जी आपको क्या चाहिए? तो माता जी ने कहा आप जैसा पुत्र चाहिए। तो सदाशिव बोले तथास्तु। तो फिर वही भगवान श्री चंद्रदेव रूप में माता सुलक्षणा जी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। तो शरीर पर भस्म थी उनके, कान में मांस का मुद्रा था, सिर पर हल्की सी जटाएं थीं हैं, और कमर में कौपीन बंधी हुई थी। तो ये विष्णु भगवान गुरु नानक देव जी का, गुरु नानक देव जी विष्णु के अवतार थे। तो उन्होंने पहचान लिया कि हमारे घर में कोई महान विभूति का प्राकट्य हुआ है। तो भगवान बचपन से ही लीला अपनी करने लगे। तो शाम को सब लोग खेलने जाते हैं गांव के बाहर। तो संध्याकालीन हो रही थी, तो भगवान तो संध्याकालीन हो रही, भगवान जी तो जंगल में निकल गए। और जो बच्चे थे वो कह रहे रात हो रही है अब चलो घर पे, तो वो तो घर भाग गए। तो ऐसे करके भगवान जी जंगल में जाके अंतर ध्यान अपने ध्यान मग्न हो गए। तो सांप बिच्छू सब उनके शरीर पर चढ़े हैं। तो कुछ सिपाहियों के टुकड़े लेके भगवान गुरु नानक देव जी और सब पूरा मंडल निकला है। तो कह रहे मेरा लड़का किधर गया है, बच्चा किधर गया है? तो भगवान श्री चंद जी वहीं बैठे हुए थे। तो जब उनको आहट हुई तो वो सब पलायन हो गए, अदृश्य हो गए, जो भगवान की माया थी। तो ऐसे करके उन्होंने बचपन में ही लीला प्रदर्शित कर दी थी संसार को। कितने साल पे आप घर छोड़े? हम तो 2013 से मैं तो इस उदासीन संप्रदाय में आया हूँ, सनातन में। माँ पिता जी याद आते हैं? आते सब कुछ हैं, संसार है, लेकिन उनसे मोह त्याग दिया है सब कुछ। हाँ, अपने भजन में लीन रहता हूँ, भगवान पर विश्वास रखता हूँ, दृढ़ कर्म रखता हूँ। नहीं जाते हैं? सब कुछ त्याग दिया है। कभी माँ आई है आपके सामने? नहीं, माँ तो खैर नहीं आई है, लेकिन हम पगड़ी तो लेने गए हैं। हाँ, हाँ, क्या बोली उस समय? कुछ नहीं, रोई थी, कह रहे कि हमने की सब परमात्मा कर रहे हैं, इसमें रोने क्या बात है। हाँ, ये किसी का बस की बात हो रही है जो जी। कितने भाई हैं? हम चार भाई हैं, अब तीन भाई रह गए हैं। तीन भाई घर पे? हाँ। तो भाइयों से बात होती है आप? नहीं, नहीं होती है किसी से भी? नहीं, किसी से भी नहीं। कभी भाई लोग मिले आपसे? नहीं मिलते हैं, हम तो अभी हिमाचल से आए हैं, हिमाचल के बाद फिर यहाँ आया हूँ, बाराबंकी से इस जमात में आ गया हूँ सेवा करने के लिए। हाँ, हम भगवान के तीर्थ धामों में ही रहता हूँ, बस भजन करता हूँ, अपना कर्म करता हूँ। महादेव के? महादेव भोलेनाथ, शिव शंभु हर हर गंगे। ये रुद्राक्ष भी पहने हुए? हाँ, ये भोलेनाथ की रुद्राक्ष है, शिव में ही समाया हुआ है। जो शिव का हो गया है वो फिर शिव जाने के क्या होना है, क्या करना है, सब उनकी कृपा है। मात्र उनके लिए तन मन धन सच्चा मन से उनकी निष्ठा भक्ति करनी चाहिए। तो प्राणी मात्र के लिए भगवान भी यही हैं, सब कुछ भी यही है इस धराधाम पर। अच्छा, बबूती से परेशान नहीं होते? नहीं, कदापि नहीं। अच्छा लगता आपको? बहुत, अति प्रसन्न लगते हैं, बोले अच्छा लगता है। हाँ जी, सब संसार को अच्छा लग रहा है तो हमको क्या लगेगा, तीनों लोग उसी के ही वशीभूत हैं प्रभु। क्या कहिएगा दर्शकों को जो महादेव का पूजने वाले हैं, जो महादेव का पूजा करने वाले हैं? श्री चंद्र देवम शिवम द्वितीयम भस्मा विलिप्तम शशशोब्रवरणम पद्माशनस्थम सुखदाम यतीन्द्रम वाकाय चित्तम सततम भजे हम। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम एक छोटा सा नाम है गुरु महाराज जी का दिया हुआ, भेष भगवान जी का, सब संत भगवानों का, गंगादास। गंगादास? हाँ जी, हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ गंगादास जी, जो हिमाचल से आए हुए हैं, और इनके शरीर की जो भस्म भभूति लगी हुई है वो भी हम आपको दिखाएं। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। बक्सर सनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।